नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आज हम आपको एक ऐसे यंग टैलेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में हमारे देश का नाम, भारत का नाम रोशन किया है। बहुत ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं सीधा उनसे आपका परिचय करवाती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सृष्टि, जो कि मिस टीन यूनिवर्स रही हैं और साथ ही मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया है। बहुत स्वागत है सृष्टि आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। और पहला सवाल आपसे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस, और पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि फीलिंग क्या थी जब आपको ये क्राउन पहनाया गया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके ऊपर और पूरे देश को भी एक तरह से गर्व महसूस हुआ उस दौरान, बट आपकी इनर फीलिंग्स क्या थी? मेरे एक्चुअली जब मैं जीती तो मैं काफ़ी खुश थी कि मैंने अपनी कंट्री को प्राउड किया है, सिर्फ अपने अपने पेरेंट्स को नहीं और और दूसरा ये भी कि इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो जब मैं वहाँ थी तो मैं मतलब जब उन्होंने इंडिया का नाम अनाउंस किया तो मैं काफ़ी खुश थी। अनएक्सपेक्टेड आपने वर्ड यूज किया, व्हाई? यू आर सो ब्यूटीफुल, कहाँ डाउट था आपको? एक्चुअली सिर्फ ब्यूटी काउंट नहीं होती, आउटर ब्यूटी इज यू नो इट्स लेसर देन द इनर ब्यूटी, बिकॉज इनर ब्यूटी ऑलवेज स्टेज विद यू। सो जब मैं वहां पे गई, आई मेट 29 कंट्रीज डिफरेंट, यू नो इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग एंड इट वॉज वंडरफुल टू मीट देम एंड दोज 29 कंटेस्टेंट्स, इवन दे वर ब्यूटिफुल, बट देन यू नो इट्स यू एंड इट्स योर इनर ब्यूटी दैट स्टेज विद यू एंड मेक्स यू यू नो फील मोर कॉन्फिडेंट एंड इट मेड मी विन, सो आई एम हैप्पी। येस, ऑफकोर्स आपने इनर ब्यूटी का जिक्र किया और साथ में आजकल तो ब्यूटी विद ब्रेन्स ही कहा जाता है, एंड ऑफकोर्स क्योंकि वहां पर वो सब सेशंस होते हैं उस सब पर हम बात करें, लेकिन उससे पहले ये कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको यहां जाना चाहिए और धूम मचा देनी चाहिए, हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करना चाहिए? मैं जब से छोटी थी तो मैं जब भी मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया देखती थी तो मुझे उनका क्राउन बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था। सो वन एवर आई यूज टू वॉच देम, आई यूज टू फील कि जब मैं बड़ी होंगी इवन आई विल गो फॉर इट एंड यू नो एंड इफ यू हैव दैट यू कैन डू कॉन्फिडेंट इन यू देन यू शुड एंड यू शुड डेफिनेटली यू नो फॉलो योर ड्रीम्स एंड सो आई डिसाइडेड कि यू नो आफ्टर माई 12th आई विल गो फॉर इट एंड मैं गई एंड आई वेंट फॉर मिस टीन इंडिया। सो आई गॉट दिस टाइटल ऑफ मिस टीन इंटरनेशनल टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड व्हेन आई वेंट देयर आई रिप्रेजेंटेड माई कंट्री एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम, बट आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस यू नो फ्रॉम माई मेंटर्स रीटा गंगवानी मैम एंड मेलविन नोरहोनहा एंड ऑल्सो स्पेशली थैंक्स टू माई मदर, because as a single parent she has done a lot for me and you know she has struggled day in and out for me to bring me up like a princess, so yeah. ओके, चैलेंजेस क्या क्या थे, या फिर हम उसको चैलेंजेस ना कह के ये कहें कि जब आप कहीं भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो बैक ऑफ द माइंड एक प्रेशर भी होता है, उससे कोप अप करना और अपना बेस्ट वहां पर देना स्टेज पर, ये ज्यादा बड़ा चैलेंज रहता है या इनर पैशन जो होता है वो आपको मोटिवेट लगातार करता रहता है? एक होता है जुनून टाइप्स होता है जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है एंड बिकॉज मेरे जब मैं इसमें गई थी तो मेरी मॉम ने सिर्फ मुझे एक चीज बोली थी कि अगर आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो करोगे तो ही आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे एंड उन्होंने मेरे को कभी किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया। शी वॉज अ वेरी सपोर्टिव यू नो पेरेंट एंड शी मोटिवेटेड मी सो मच व्हेन आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माई ग्रूमिंग फ्रॉम यूके टू इंडिया। दैट टाइम मेरी फ्लाइट में आग लग गई थी, सो आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस एंड आई वॉज इन अ ह्यूज ट्रोमा एंड माई मॉम शी वॉज द ओनली वन हु टोल्ड मी दैट यू नो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज अपॉर्चुनिटीज डजंट नॉक योर डोर एवरी टाइम, अगर आपको मिलती है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। सो दैट टाइम आई रियलाइज दैट यू नो ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू फॉलो माई ड्रीम्स। So that inner confidence and you know the confidence that you get from inside from your heart, I think that helps you a lot.
पूरी जो जर्नी है इंडिया टू लंदन, देन लंदन टू अमेरिका, एंड देन नाउ अगेन इन इंडिया, एंड यू आर परस्यूइंग योर स्टडीज ऑल्सो, कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं? बिकॉज यू आर ओनली अ टीनेजर, एंड एक तरह से आई विश कि ये हमेशा रहे, एक फुल प्लेटर है आपके सामने. सो मैं मतलब काफ़ी एक्साइटेड हूँ. अब जैसे मैं इस मिस टीन यूनिवर्स में गई तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बिकॉज मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी. सिर्फ क्राउन जीतने की बात नहीं है, जब आप कुछ सीख के भी आते हो वहाँ से तो आपके लिए और भी अच्छी चीज़ है. एंड सेकेंडली कि मैं जब से वहाँ पे आई हूँ, इट टोटली चेंज्ड माई लाइफ, बिकॉज यू नो आई गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड आई रियलाइज दैट यू नो it's the crown that, you know, because nobody listens to a common man. So if you have the crown, if you have a title, then, you know, it makes you more powerful, and, you know, it makes you, you know, a youth icon that can actually, you know, motivate the youth and inspire them to follow their dreams and to, you know, stay confident and to, because we have three most, you know, powerful things with us. Technology, knowledge and experience. So I just want to show that, you know, it's everything in you, and you just have to, you know, like follow it, and you have to follow your heart and, you know, make this country a better place to live in. जैसे आपने कहा कि 29 countries वहाँ पर थी और हर country अपने आप को represent कर रही थी, एक candidate के उन्होंने वहाँ पर उनका मौजूद था और वो उनके country को represent कर रहा था. एक learning process होता है, आप अलग अलग देश के culture को जानते हो, उनसे mix up होते हो. So आज भी वो आपके friends हैं, और वो चीज आप जो share करना चाहें कि आपको best लगा वहाँ से और आपको लगा कि यस दिस इज द थिंग जिसको मुझे भी अपनाना चाहिए. मैं जब वहां पे थी तो मेरी काफी बहुत सारी फ्रेंड्स बनी, एंड उन्होंने मुझे काफी कुछ अपनी कंट्रीज के बारे में सिखाया. मेरी सबसे अभी क्लोज फ्रेंड है मेक्सिको और फिलीपींस, तो मैं उनसे अभी तक बात करती हूँ, एंड मेरे को उनके बारे में काफी पता चला जब मैं वहां गई. उनका डांस और उनका क्यूजीन कि वो क्या खाते हैं, मैक्सिकन फूड मैंने ट्राई किया, एंड काफी कुछ मैंने देखा जो मेरे को काफी अच्छा लगा. और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी चीजें करी अपनी लाइफ में, तो बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था. और दूसरा कि जब मैं वहां पे गई तो मैंने भी थोड़े इंडियन बॉलीवुड डांस उन्हें सिखाया, एंड काफी इंजॉय किया, तो बहुत ही अच्छा था उनका कल्चर देखना. और इतनी 29 कंट्रीज मेरे साथ थी, हम सब एक साथ थे, हमारी लैंग्वेज डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, बट स्टिल वी वर टुगेदर. तो इतना अच्छा था कि मतलब मैं काफी खुश हूँ. ये हेल्दी स्पिरिट की भी बात होती है, आपको पता है कि आपको इन्हीं से कम्पीट करना है, बट स्टिल आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है. और यू नो जब हम स्टेज पर देखते हैं कि वहां पर बेस्ट फाइव हैं और उनमें से फिर एक का नाम अनाउंस होता है, तो एक दूसरे को हग करना, तो इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है जहां पर स्पोर्टिंग स्पिरिट की बात होती है, इस तरह के इवेंट्स या पेजेंट्स भी हैं जहां पर सेम स्पिरिट रहता है कि कोई भी जीत रहा है लेकिन उसको सपोर्ट मिलता है दूसरे अपने कंटेस्टेंट से. जरूर मिलता है, क्योंकि जब मैं जीती थी तो मेरे को सब ने आके मेरे को गले मिले एंड मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया. एंड सिर्फ मेरी बात नहीं है, उन्होंने मेरी कंट्री को भी एक तरीके से प्यार दिया है, और मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगा. एंड अगर हम एक कॉम्पिटिशन में है तो सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं है, हम एक फैमिली की तरह हैं. एंड जितना हमारी कंट्रीज और जितना हम क्लोज होंगे तो उतना ही हम सबके लिए अच्छा है. और हम लोग सिर्फ जाते जाते ये नहीं देख रहे कि हम हारे या जीते, हम कुछ सीख के जा रहे हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है. एंड अ रिलेशनशिप आई थिंक वो बहुत जरूरी है, तो रिलेशनशिप हमेशा रहता है, एंड आई थिंक कि वही चीज है जो आगे कंटिन्यू करती है एंड फ्रेंडशिप को बना के रखती है. ऑफ कोर्स. और अलावा इसके जो तैयारियां हैं वो किस तरह की रहती हैं? बिकॉज सडनली कोई जाकर तो रिप्रेजेंट करता नहीं है, बैक ऑफ द सीन बहुत सारी प्रिपरेशंस रहती होंगी, फ्रॉम फूड टू डांस एंड डांस टू लाइफस्टाइल, क्या कुछ रिजीम रहता है, कुछ डिफरेंट करना होता है ऑफ कोर्स जब ये ताज सर पे सजता है उससे पहले?
काफी होता है, और अगर हम मतलब कुछ भी करने को जाते हैं, हार्ड वर्क तो हर किसी चीज में होता है. जब मैं जा रही थी तो मैंने एक महीना काफी मेहनत करी थी, एक्चुअली 2 महीने, बिकॉज आई एम अ फैशन स्टूडेंट इन लंदन. तो जब मैं वापस आई तो मेरी पूरी टीम ने मेरे को मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड मेरी फिटनेस, आई यूज टू हैव 3 वर्कआउट सेशंस अ डे, और उसके साथ साथ ही मेरा वॉक और हर एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया. और वो आपका टैलेंट, आपकी हर चीज को आपकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं. तो आई रियली थैंक माई मेंटर्स कि उन्होंने मेरे को यहाँ तक वो मुझे लेकर आए हैं, एंड ऑफ कोर्स माई मदर. सृष्टि, हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन अगर पेजेंट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनका नंबर इतना ही है. इसके पीछे कोई खास रीजन आप देखते हैं? क्योंकि आप तो बार बार कह रही हैं कि आपको बहुत सपोर्ट किया गया, क्या उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, या क्या ऐसा कारण है कि हम लिमिटेड पेजेंट्स को ही काउंट कर पाते हैं, हमारे पास उतने सारे नहीं है जितनी बड़ी हम पॉपुलेशन है? आजकल देखा जाए तो काफ़ी पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है अपने बच्चों को लेके. बट अगर किसी भी कोई भी पेजेंट ऐसा है जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो, जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर इफ़ यू डोंट मैच इट, तो आप ज़रूरी नहीं है कि वो ही पेजेंट है. अब तो आजकल इतने पेजेंट हो गए हैं कि आप हर जगह अपने आप को शोकेस कर सकते हो. एंड रही बात अपने आप को शोकेस करने की, तो मेरे ख्याल से अगर आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस और हो तो मेरे ख्याल से आप जरूर कर सकते हैं. आजकल मिस टीन, मिस, मिसेस, हर कैटेगरी, मिस्टर, तो मेरे ख्याल से आप हर एज ग्रुप, और यू नो देर इज नो जेंडर सेंसिटाइजेशन. सो आई रियली बिलीव कि अगर आप मेल हो या फीमेल हो, आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करके यू कैन मेक यू नो योर सेल्फ अ बेटर पर्सन, एंड यू कैन यू नो शो केस योर सेल्फ. चलिए थोड़ा फ्यूचर प्लान्स की भी बात करते हैं, और क्राउन को लेकर बाद में बात करेंगे, क्योंकि 2017 आप रहे तो 2018 में ये किसी और को आपको देना होगा, वो फीलिंग्स कैसी हैं इसके बारे में जाने. उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बात करना चाहूंगी आपसे कि अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि मिस इंडिया या फिर मिस यूनिवर्स या फिर मिस वर्ल्ड या फिर मिस टीन यूनिवर्स, उसके बाद एक इकलौता जो हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो डिमांड में रहता है इज बॉलीवुड. आप सोच रही हैं उस तरफ? अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जरूर जाऊंगी. एंड मैं अगर देखते हैं, अगर मेरे को इसमें या किसी पेजेंट में भी अगर मैं मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, तो मैं डेफिनेटली अब आगे जाऊंगी पेजेंट लाइन में भी. बट अभी मेरा मेन फोकस है टू प्रमोट मेक इन इंडिया कैंपेन, एंड मैंने उसके लिए अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ एली फेरिस. इट्स एन ऑनलाइन स्टोर ऑफ एक्सेसरीज, तो मैंने ये लॉन्च किया है, एंड आई वॉन्ट टू प्रमोट मेक इन इंडिया कैंपेन. साइड बाय साइड आई एम दी ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंडियन कैंसर सोसाइटी, एंड ऑल्सो आई रन माई ओन स्कूल फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड इन नोएडा सेक्टर 49, सो बाय द नेम ऑफ अपना घर. सो आई एम रियली बिजी विद दैट, एंड इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट. इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं सृष्टि? एज की बात नहीं होती है, आपका आपको बस एक एक्सपीरियंस और एक सपोर्ट और एक आपकी बैकबोन की तरह, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ जुटे रहे तो मेरे ख्याल से आप कुछ भी कर सकते हो. बॉलीवुड का आपने जिक्र किया, साथ ही आपने आप कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के लिए भी आप काम कर रही हैं, उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है? क्योंकि एक अवेयरनेस की भी बात होती है, बहुत सारी चीजों को लेकर तो अवेयरनेस ही नहीं अपनी कंट्री में, आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं उसमें? मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेल ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड अगर मेरे को लोगों को अवेयर करना है तो मैं ज्यादातर यंगस्टर पे फोकस करती हूँ, बिकॉज वो आज की यूथ है. एंड मैं स्कूल जाती हूँ, मैं काफ़ी ऐसे इवेंट्स पे और प्रोग्राम्स पे जाती हूँ ताकि मैं जितने लोग हो सके मैं उन्हें अवेयर कर सकूँ. बिकॉज अगर आप फर्स्ट स्टेज में इसको पहले ही डिटेक्ट कर ले, इट इज यू नो अ गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि आप इससे बच सकते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बीमारी को बताना नहीं चाहते हैं, या उनको लगता है कि सोसाइटी से इग्नोर होंगे या ऐसा कुछ, तो मैं चाहती हूँ कि, या अगर वो सुनते हैं तो देर टेक इट एज डेथ सेंटेंस, उनको लगता है कि अब देर इज नो
survival. तो ऐसा कुछ नहीं है. Please not to lose hope. There is always, you know, a hope, and you can, you know, there's nothing called impossible. You can cure it, and plus, it's much better to prevent it. तो आप अपना healthy lifestyle, regular exercise और अपने ऊपर focus करो तो मेरे ख्याल से सब ठीक हो सकता है. वो कहा जाता है ना कि impossible जो है उसमें ही I am possible है, तो उसी को लेकर सृष्टि भी बात कर रही है. सृष्टि एक चीज और, business skills भी है आप में, क्योंकि आपने अपना ब्रांड खुद से बनाया है और उसको लेकर आप काम भी कर रही हैं. अलावा इसके बॉलीवुड को लेकर क्या है प्लान्स आपके? हमने सुना कि आप एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर रही हैं, तो यानी कि एक तरह से जो ये सपना था कि क्राउन हो, साथ में वो भी सपना है कि 70 mm पर हम सृष्टि को देखें. मैं भी यही चाहती हूँ, और ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं भी बॉलीवुड लाइन में आऊँ एंड एक बहुत ही अच्छी और मीनिंगफुल मूवीज करूँ जो एक मैसेज दे हमारे यूथ को. अभी जैसे हमारे पास आमिर खान है जो काफ़ी अच्छे मूवीज करते हैं, 3 Idiots एंड PK एंड काफ़ी अच्छी मीनिंगफुल मूवीज. तो अब तो अक्षय कुमार भी है जो पैड मैन, टॉयलेट और अच्छी मूवीज बना रहे हैं, और यही चीज़ें हमारी यूथ को अब, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज समथिंग दैट कैन गिव अ वेरी गुड मैसेज. तो अगर हम इन्हीं के थ्रू लोगों को पहुंचेंगे, फील रीच देम, अगर हम उन्हें समझाएंगे कि ये सब चीजें जरूरी है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड आइडिया. और कहाँ आपको लगता है, क्योंकि आप यंगस्टर हैं और शायद जो आप मैसेज देंगी वो डायरेक्ट हार्ट से होगा और वो लोगों के दिल और दिमाग को भी छुएगा. सोशल मीडिया आजकल बहुत इन है, सब लोग टाइम स्पेंड करना और टाइम वेस्ट करना, इसका ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं. तो कई बार ऐसा हमने देखा है, इनफैक्ट जो टॉपर है 12th में, उन्होंने भी कहा कि सोशल मीडिया पर हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो आप कुल मिलाकर सोशल मीडिया को कैसे रेट करती हैं, कैसे देखती हैं? अगर सोशल मीडिया पे बात आती है तो अगर हम उसको एक पॉजिटिव साइड में ले, तो ये हमारे लिए अब काफ़ी इजी बना रहा है कि हम शॉपिंग पे जाना है, ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है. अगर हमें कोई किसी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो हम गूगल कर सकते हैं. तो आई थिंक कि इंटरनेट इज समथिंग कि वो काफ़ी एक अच्छा एक चीज़ है, एक सॉफ्टवेयर है दैट कैन एक्चुअली हेल्प टूडेज यूथ. एंड प्लस अगर मैं देखा जाए तो मैं यही चाहती हूँ कि इसी चीज़ को अगर हम पॉजिटिव वे में ले, तो हम इसको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करें एंड ना कि इसको मिस यूज़ करें. तो हर चीज़ के नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ कोर्स होते हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप मेनली फोकस पॉजिटिव में करें, बिकॉज नेगेटिव अगर आप जितना इसको कम करेंगे एंड इसको अच्छा यूज़ करेंगे, देन आई थिंक इट विल यू नो गेट change in our country, and plus it will help all the, you know, today's youth to succeed more in life, because you can get anything in internet, you know, on internet you can find everything you want, and it's a good way to get more knowledge. अभी हाल फिलहाल के जो आपके ताज़ा जो प्लान्स हैं, मीन्स जो इंस्टेंट कुछ महीनों में ही आगे आने वाले हैं, क्योंकि मेहनत आप कर रही हैं, बॉलीवुड भी जाना चाहती हैं, लेकिन इंस्टेंट जो कुछ प्लान्स हैं आपके, उनके बारे में थोड़ा शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि क्या अभी करने का सोच रही हैं आप? अभी मैं बस अब फरवरी में अपना क्राउन, आई गिव अप माय क्राउन, मैं अपना क्राउन देने जा रही हूँ. काफ़ी इमोशनल मोमेंट होगा वो मेरे लिए. एंड उसके बाद मैंने ये सोचा है कि मैं मेक इन इंडिया के साथ साथ मैं ऑफ कोर्स स्वच्छ भारत पे भी अपना काम करूँ. एंड मेरा जो स्कूल है, मैं उस पर काफ़ी फोकस करूँ. अब मैं ब्लाइंड पे भी, अभी मैंने रिसेंटली 150 पेन ड्राइव्स ब्लाइंड स्कूल में दी हैं, एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके लिए भी कुछ करूँ. आई थिंक सोशल कॉज है और मेरा ब्रांड है जो मेन मेरा प्रायोरिटी है, एंड बिकॉज आई बिलीव कि यही सब, इट विल स्टे विद मी इन लॉन्ग रन, ये सब मेरे साथ हमेशा रहेंगे. प्लस साइड बाय साइड जो मेरी ड्रीम है टू गेट इनटू बॉलीवुड, वो मैं डेफिनेटली इसकी कोशिश कर रही हूँ, एंड एक्टिंग वगैरह सब मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है. कई बार हमने देखा है कि बॉलीवुड से या स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं. बहुत सारी स्कीम है अपने इंडिया में, तो कोई एक ऐसी स्कीम जिसके साथ आप अपने आप को एसोसिएट करना चाहें? मैं चाहूंगी कि अभी जैसे मैंने आई हैव बीन एसोसिएटेड विद रोटरी क्लब, तो वो एक सोशल कॉज का है, एंड मैं उनके साथ अभी काम कर रही हूँ जो
डिसेबल लोग होते हैं. अभी उनका एक बास्केटबॉल मैच है, वो हैंडीकैप्ड है, एंड उसमें मैंने अभी रोटरी क्लब वालों को बोला है कि उनको व्हीलचेयर 30 व्हीलचेयर कम से कम उन्हें मिलनी चाहिए. तो मैं ऐसी चीज में अपने आप को एसोसिएट करना चाहूंगी जो लोगों को मदद करे. इसमें मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स ये जो टाइटल्स हैं, इसमें आपका रोल मॉडल कौन रहा है? सबसे ज्यादा यू नो यू लुक अप टू वो कौन रहा है? जितने भी अभी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स सब रही हैं, वो उनकी जो पॉइज और उनका एक एटीट्यूड है, मेरे ख्याल से वो मतलब काफी ब्यूटिफुल, काफी यूनिक है. बट अगर मेरी फेवरेट पूछे तो मेरी सुष्मिता सेन मैम है, बिकॉज मुझे वो काफी पसंद है. एंड जब मैं जीती थी उन्होंने मेरे को ट्वीट किया था, तो मैं काफी खुश हुई थी. एंड मुझे उनका वो द वे शी कैरीज हर सेल्फ, यू नो द पॉइज दैट शी हैज, आई थिंक वो काफी ब्यूटिफुल है. एंड इवन इफ वो बाहर से काफी सुंदर है, वो अंदर से भी बहुत अच्छी है, वो रिफ्लेक्ट होता है. और बॉलीवुड में किसके अपोजिट आप अपने आप को देखना चाहेंगे सबसे पहले? बिकॉज मेरे को आलिया भट्ट काफी फन और ट्रेंडी लगती है, तो मैं जरूर चाहूंगी उनकी तरह बनना, बिकॉज वो काफी यंग है एंड वो काफी आज की यूथ को काफी इंस्पायर करती है, तो मुझे वो काफी अच्छी लगती है. हालांकि हमारे पास बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं, बट वो मेरी फेवरेट है. ओके और एक्टर जिसके ऑपोजिट आप कास्ट होना चाहें सबसे पहले? एक्टर हो तो आमिर खान. आमिर खान, ओके. मिस्टर परफेक्शनिस्ट, बिकॉज हर चीज में परफेक्शन उनकी होती है. ओके और हमने बॉलीवुड से लेकर इनके ड्रीम से लेकर हर चीज की बात की है सृष्टि से, अब थोड़ा सा पर्सनल चीजें जानते हैं सृष्टि से. सृष्टि को खाने में क्या पसंद है? मेरे को खाने में मेरा फेवरेट है सी फूड. मेरे को प्रॉन्स फिश, मेरे को नॉनवेज काफी पसंद है. एंड जब मेरी डाइट भी चल रही थी तो उन्होंने मेरे को मेनली प्रोटीन डाइट दी थी, तो मैं काफी खुश थी कि मेरे को नॉनवेज खाने को मिल रहा है. एंड या ओके पहनने में क्या पसंद है? क्योंकि अभी आपने बहुत ब्यूटीफुल सा गाउन पहना हुआ है, और क्योंकि जब इस तरह के टाइटल्स होते हैं तो हम इसी तरह का या फिर बिल्कुल एकदम इंडियन ट्रेडिशनल देखते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस क्या है? मेरे को साड़ी बहुत पसंद है, बिकॉज साड़ी को हम वेस्टर्न भी बना सकते हैं, प्लस वो है ही इंडियन, वो हमारी सबसे अच्छी इंडियन ड्रेस है. एंड मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अब नेक्स्ट कहीं पे भी आऊँ, किसी इवेंट पे भी, तो मैं साड़ी पहनूँ. मेरे पास काफी सारी साड़ीज है, तो मैं इंडियन वेयर सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ. खाना हो गया, कपड़े हो गए, और अब एजुकेशन की बात करते हैं. आप लंदन गई यहाँ से, नोएडा से. एक तो स्कूल का रिस्पॉन्स भी मैं जानना चाहूंगी जब आप यहाँ पर आए नोएडा में, नोएडा से ही क्योंकि आपकी एजुकेशन हुई है. स्कूल कितना प्राउड था आपको लेकर? काफी प्राउड था, एंड उन्होंने मेरे को फेलिसिटेट भी किया, उन्होंने मुझे बुलाया, एंड मेरी सारी टीचर्स काफी खुश थी एंड काफी इमोशनल थी मुझे अब ऐसे देख के, तो मैं काफी खुश थी. एंड लंदन में आई एम स्टडिंग फैशन बिजनेस एंड लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, तो इसीलिए मैंने अपना ब्रांड खोला है. एंड आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम मिस्टर अमानसियो ओर्टेगा, हु इज द ओनर ऑफ इंडिटेक्स ग्रुप. तो आई रियली वॉन्ट टू यू नो बी लाइक हिम, एंड वो मेरे एक आइडियल है, तो मैं इसीलिए उनको उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ. ओके खाली टाइम में सृष्टि को क्या करना पसंद है? क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट दिस यंग एज, बहुत कुछ मिला है आपको, एंड आई विश कि वो हमेशा आगे जाता रहे, इसी तरीके से मिलता रहे आपको. लेकिन जब खाली होती है सृष्टि तो क्या करना पसंद करती है? मैं स्केचेस करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर है. तो जब भी मैं स्ट्रेस में या किसी चीज में बहुत ज्यादा टेंस्ड होती हूँ, तो मैं स्केच करने लगती हूँ, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो मेरे को सारी फ्रेशनेस देती है. एंड वो मेरा एक पैशन है, एंड मैंने कभी स्केचिंग सीखी नहीं है, बट हाँ जी तो इसीलिए मेरे को बस स्केचिंग एंड अपने डॉग मैक के साथ खेलने का मेरे को बहुत शौक है, तो मैं जब भी थोड़ा फ्री होती हूँ तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ. ओके
लास्ट एक जो चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी वो ये कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, उनसे अपील क्या करना चाहेंगी, क्या उनको कहना चाहेंगी एक मैसेज के तौर पर? अभी न्यू ईयर भी आ रहा है तो उसको लेकर भी, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जब जब न्यू ईयर आता है बहुत सारे रेजोल्यूशंस हो जाते हैं, बहुत सारे गोल सेट हो जाते हैं, लेकिन फिर हम उसको करते नहीं हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, तो आप अपनी तरफ से अपील कर दीजिए. I really believe that, you know, the nation's culture, it resides in, you know, its people's heart. So I really want ki this coming 2018, you know, India gets more power and more positivity, and I just want people to be, you know, to just stay confident, stay healthy, and, you know, just follow your dreams, and, you know, think out of the box, and, you know, make this country a better place to live in. I really, really want ki, you know, the world's eyes, everybody's eyes should be on India, and they should realize how beautiful it is. बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि, आपने बातचीत की वक्त निकालकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. तो ये थी सृष्टि जिनसे हमने बातचीत की, और सृष्टि ने बताया कि अभी उनके भविष्य के जो गोल हैं वो क्या हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से देश का नाम रोशन 2017 में मिस टीन यूनिवर्स जीतकर सृष्टि ने देश का गौरव बढ़ाया है, उसी तरीके से वो आगे भी लगातार गौरव बढ़ाती रहेंगी और हमें नजर भी आती रहेंगी 70 mm के पर्दे पर. तो फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार.